देखिए आज जो हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चार्ट को डिस्कस करेंगे और आपको बनाना भी सिखाएंगे कि आप एक स्पीडोमीटर चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं। साथ साथ आपको इसका यूज आप अपनी प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, डैशबोर्ड में कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा ही डायनेमिक होता है और आपको देखने वाले को भी अच्छा लगता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज हम आपके साथ एक नया चार्ट और लेके आए जिसका नाम है स्पीडोमीटर चार्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक शीट को ओपन कर रखा है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने इसको वर्जन 1 में माना है क्योंकि ये आपका कॉम्बो बॉक्स में है। और दूसरा, अगर आपको लिस्ट बॉक्स के थ्रू बनाना है ये स्पीडोमीटर चार्ट तो आप किस तरीके से बनाएंगे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें खासियत सबसे बड़ी ये है कि अगर आप यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से एम्प्लॉय की बता देगा कि उसकी सेल कितनी है। साथ साथ ये आपको एक बिल्कुल परफेक्ट स्पीडोमीटर की तरीके से शो करेगा। जैसे अगर मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूं तो ये इस तरीके से करेगा। दूसरा, हमने सेल स्कोर मीटर वर्जन 2 बनाया जिसके अंदर इसमें खासियत क्या है कि अगर आप जिसको सिलेक्ट करोगे जिस कैटेगरी में होगा ये उसको हाईलाइट करेगा, यहाँ उसकी स्कोर सेल आ जाएगी और यहाँ आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर डाटा को समझ लेना है। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पर इसकी परसेंटेज है। तो हम क्या करते हैं, इस डाटा को कंट्रोल सी के साथ कॉपी करते हैं और कंट्रोल एन के साथ एक नई शीट बनाते हैं और वहां इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, डाटा नाम करके रख देते हैं। इसका नाम क्या, डाटा। यहां से हम एक और शीट इंसर्ट करते हैं। यहां से हमने एक नई शीट इंसर्ट करी। सबसे पहले व्यू में जाएंगे और यहां से ग्रिड लाइन जो है उस ग्रिड लाइन को हटा देंगे ताकि रिपोर्ट को अच्छी तरीके से देखने में आ जाए। ये हो गया, इसका नाम आपको जो रखना है वो रख दो, मैंने रख दिया इसका नाम सेल, ठीक है, स्कोर वर्जन 1, ये मैंने इसका नाम दे दिया। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय चाहिए तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय। पहले मैं इसे मर्ज कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्ट, ठीक है, इन एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय, इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, सेंटर और मिडल कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉम्बो बॉक्स चाहिए। कॉम्बो बॉक्स लाने के लिए आपको डेवलपर टैब में जाना है। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपको कस्टमाइजेशन रिबन पे जाना है और यहाँ से आपको मिलेगा डेवलपर टैब। बस आपको यहाँ पर डेवलपर टैब पर क्लिक कर देना है। डेवलपर टैब पर क्लिक करने के बाद आपको डेवलपर पे आना है और यहाँ से इंसर्ट में सबसे पहले मिलेगा सेकंड नंबर पे कॉम्बो बॉक्स। आपको कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करना है, इस पर आपको ड्रॉप डाउन क्लिक करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, इस तरीके से इसको आप ऊंचा कर दो और थोड़ा यहाँ कर दो। आप जानते हैं कॉम्बो बॉक्स का यूज हम सभी नाम को देखने के लिए करते हैं। इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाएंगे और सबसे पहले कहता है इनपुट, आप यहाँ क्या देखना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूंगा और मैं कहूंगा डाटा में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको देखना चाहता हूँ। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसे लिंक किससे करते हो, आप जिसको सिलेक्ट करेगा एक नंबर देगा। मैंने कहा J1 पे वो नंबर डाल देना या आप ऐसा करो A7 पे डाल देना। तो अब मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय थे वो सारे आ गए, लेकिन यहाँ पर टोटल 8 एम्प्लॉय दिखेंगे एक बार में, 8 से ज्यादा नहीं दिखेंगे। अगर आपको ज्यादा देखना है तो आपको फॉर्मेट कंट्रोल पर जाना होगा और यहाँ से आप एक बार में कितने एम्प्लॉय देखना चाहते हो वो डाल दो। मैंने कहा 20, मैंने 20 पर क्लिक करा, इस ड्रॉप डाउन पे आया तो एक बार में आप 20 एम्प्लॉय सिलेक्ट करें। आप जिस भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे उसका नंबर आ जाएगा, जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉय मैंने 1 नंबर पे रखा था, एम्प्लॉय नंबर 2, तो इस तरीके से आप ला सकते हैं। यहाँ आप किसे नाम भी दे सकते हैं, हम एम्प्लॉय, ठीक है, नंबर। अब हमें सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करा एम्प्लॉय नेम। इसके लिए हम लगाएंगे इंडेक्स का फार्मूला, हम कहेंगे इंडेक्स इस पूरे एरिया में जाओ और इस पर जो भी रो नंबर है, ठीक है,
उसका रो नंबर नो होना चाहिए और कॉलम नंबर वन होना चाहिए, तो हमें नाम मिल जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय की परसेंटेज चाहिए, तो हमें यहाँ से एम्प्लॉय परसेंटेज, इसके लिए भी क्या लगाएंगे, इंडेक्स। उस एरिया में जाएंगे, हम कहेंगे इस एरिया में जाएं, इस एरिया के बाद रो नंबर 9 होनी चाहिए और कॉलम नंबर 2 होना चाहिए। ये आपको पॉइंट में दिख रहा है, इसको परसेंटेज में करने के लिए यहाँ से परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद आप इन दोनों को सेंटर कर दीजिए, और आप चाहें तो इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो आप इसे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको एम्प्लॉय का नाम मिल गया, एम्प्लॉय की परसेंटेज मिल गई। आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे यहाँ से उसका नाम और परसेंटेज आपको मिलती चली जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हमें चार्ट बनाना है। चार्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा मैं एम्प्लॉय परसेंटेज, ठीक है। एम्प्लॉय की परसेंटेज कितनी है, 26% है। मैंने यहाँ पर इसे लिंक कर दिया इसके साथ कि जो भी होगा वो आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए क्या, ब्लैंक स्पेस, निडल चाहिए, निडल। तो हम यहाँ से लिखेंगे निडल। अर्डन निडल कितने की होंगी, मैंने कहा 10 की, तो यहाँ से मैंने 10 डाल दिया। ब्लैंक कितना रखना है, हमें यहाँ से क्या, हमने कहा ब्लैंक रखना है कि 1 माइनस जो भी हो यहाँ आ जाए, तो कितना आ गया, 74। और हमें एक हाफ सर्कल भी बनाना है, तो हम यहाँ से ले लेंगे हाफ सर्कल। तो हमने यहाँ से हाफ सर्कल ले लिया, और कितना, मैंने इसे 100% में डाल दिया। हमें कुछ इस तरीके से अपने चार्ट को बनाना है। अब चार्ट को बनाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, इंसर्ट में आए, और यहां से आपको मिलेगा चार्ट। आप पहले पाई चार्ट पर क्लिक करें, जैसे ही आप पाई चार्ट पर क्लिक करेंगे आप इसे शिफ्ट के साथ बड़ा कर लें ताकि आप इसे अच्छी तरीके से देख पाए। क्लियर, इस तरीके से मिल गया। आप सबसे पहले इसकी जो ग्रिड लाइन है वो हटा दें, इसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, आउटलाइन पे आके इसे नो करना, क्लियर है। और इसको अब रोटेट करो, रोटेट करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करो, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाओ और यहां से एंगल को 270 डिग्री तक रोटेट कर दो ताकि जो हाफ सर्कल था वो नीचे आ जाए। इसके बाद इसे डबल सिलेक्ट करो, फिल पर जाओ और यहां से इसे नो फिल कर दो, क्लियर है। इस पर डबल क्लिक करो, इसको भी नो फिल कर दो, इस पर भी डबल क्लिक करो और नो फिल कर दो। इसके बाद निडल हमें मिल गई, निडल का साइज हम अगर 0 करें तब भी ये विजुअल होना चाहिए, तो इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करो, फिर आप सॉलिड फिल में जाओ और यहां से इसको ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दिया। बॉर्डर में जाओ, सॉलिड फील्ड में आओ और इसे भी कर दो ब्लैक, कि जो इसका बॉर्डर है वो भी ब्लैक हो। और इसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हो, तो मैंने कहा इसकी विड्थ रखना चाहता हूं मैं 3.50, तो मैंने यहां से 3.50 रख दी। इसे करने से बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं इसे 0 भी करूंगा तब भी ये मुझे विजुअल होगी, तब भी मुझे क्या होगी, विजुअल होगी। इसके बाद आप इस पर जाएं, यहां से चार्ट टाइटल हटा दें, चार्ट लीजेंड हटा दें। अब आपकी निडल मिल गई, अब आप किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे तो ये निडल बन गई, ठीक है। अब आपको करना क्या, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले डोनट चार्ट बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट यहाँ पर जाना है, सिलेक्ट डाटा, और मैंने एक नई टॉपिक को ऐड किया जिसका नाम मैंने दिया रेटिंग, तो मैंने यहाँ से रेटिंग दे दिया। अब मुझे डोनट चार्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं चार्ट कैसे बना, तो मैं एक ट्रिक यूज करूंगा कि मैं चार्ट को 10 नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से मैंने 5 लिख दिया और आखिरी में एक 5 डाल दूंगा जिसका टोटल इसका 10 होगा। इसको मैं क्लोज कर दूंगा और इसे इस तरीके से कर दूंगा, ये आ गया। इसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट, कहां जाऊंगा, चेंज सीरीज डाटा टाइप पर जाऊंगा, और यहां पर जो रेटिंग चार्ट है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, डोनट चार्ट में। जैसे ही मैंने इसे डोनट चार्ट में करा वो इस तरीके से आया, और मैंने इसको सेकेंड एक्सिस मान लिया और मैंने इसको क्लिक करा, तो इस तरीके से आ गए। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सबसे पहले 270 एंगल पर रोटेट कर दूंगा, तो मैं यहाँ से 270 डिग्री पर इसे रोटेट कर देता हूँ, ये रोटेट हो गया। इसके बाद नीचे वाले हिस्से को, या फिर आप इसे सबसे पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाओ, और फॉर्मेट के जाने के बाद आउटलाइन पर जाकर इसकी आउटलाइन को रिमूव करो। इसके बाद इसे डबल क्लिक करो, फिल पर जाओ और यहाँ से नो फिल कर दो, नो फिल हो गया। इसके बाद आप इसकी जो बॉर्डर है या इसका जो साइज है खाचा वो काफी बड़ा है, तो आप डोनट होल साइज को यहाँ से कम कर दें ताकि ये एक
परफेक्ट तरीके से दिखे। तो मैंने इस तरीके से इसको 75 कर दिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। या आप इसे 70 भी रख सकते हैं, ये भी परफेक्ट है। अब देखो एक स्पीडोमीटर दिख रहा है। इसके बाद अब हमें करना क्या है, करना क्या है, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है, यहां से फिल में जाना है, सॉलिड में जाना है, और इसे क्या कर देना है, रेड। तो मैंने यहां से रेड कर दिया। इसके बाद मुझे इसको और करना है, इससे हल्का सा रेड लिखना है, तो मैंने इसको ले लिया। इसके बाद मुझे इसे येलो करना है, मैं सॉलिड पर गया, इसे आपने येलो कर दिया। इसके बाद मुझे इसे ग्रीन करना है, तो मैंने इसे लाइट ग्रीन ले लिया। और इसके बाद आखिरी में सॉलिड में जाकर मैंने इसको डार्क ग्रीन कर दिया। ये इस तरीके से बन गया। इसके बाद अगर मैं किसी पर भी क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से मुझे शो कर देगा। अब मुझे यहाँ पर इसका ब्लर भी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, इसको ब्लर भी देखना है कि ये ब्लर होता हुआ दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट डाटा में जाना है, और यहाँ पर एक ऐड करके रेटिंग कलर के हिसाब से मैंने एक सीरीज बनाई, रेटिंग कलर, और वही ट्रिक यहाँ पर फॉलो करी कलर। इसके बाद मैंने इसे 1,1,1,1 और 0,5 डालकर इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद मैं राइट पर गया, चेंज पर आया, और मैंने इसको जो रेटिंग कलर था इसको पाई चार्ट में कर दिया, और इसे सेकंड एक्सिस मानते हुए इस तरीके से रखा। इसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे आया, सबसे पहले इसको रोटेट करा कितना, 270, क्योंकि सभी को हम 270 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसे डबल क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे और इसे नो फिल कर देंगे। इसके बाद सेम वही कलर अप्लाई करने जो हमने डोनट पर करे थे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिल पर जाएंगे, सॉलिड, और सभी को सिलेक्ट कर लिया, किसी एक को सिलेक्ट करना था तो डबल क्लिक करा। इसके बाद सॉलिड, यहां से हमने रेड लिया, और रेड की जो ट्रांसपेरेंसी थी वो हमने 60 कर दी, या आप चाहो तो और कर दो ताकि पीछे वाला भी आपको दिखे। इस पर डबल क्लिक करा, मैं फिल में गया, सॉलिड में आया, और यहां जाकर मैंने ये लिया, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो मैंने 60 कर दी। इसके बाद मैंने इसको डबल क्लिक करा, सॉलिड पर आया, और यहां जाकर मैंने येलो ले लिया, यहां गया और मैंने यहां पर 60 डाल के येलो कर दिया। इस पर डबल क्लिक करा, सॉलिड पर आया, और इसे मैंने ग्रीन करके इसको भी मैंने 60 पर टाइप करा। इस पर गया और यहां जाकर मैं जो लाइट ग्रीन था या डार्क ग्रीन था वो लेके इसको कर दिया। तो यहाँ इस तरीके का आपको स्पीडोमीटर चार्ट दिख रहा है। इसके बाद आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से आपको दिख जाएगा। अब आपको करना क्या, अब आपको जो स्पीडोमीटर की जो लाइट है उसे आगे लाना है, तो आप इसे सिलेक्ट करके क्या करें, आप इस पर राइट क्लिक करें, चेंज डाटा सीरीज पर जाएं, और यहां से जो आपका ये पाई था इसको इस तरीके से कर दें, या आप इसको चेंज कर दें, सिलेक्ट डाटा पर जाएं, कलर को ऊपर ले जाएं और उसको नीचे कर दें। तो अब इस तरह से रेटिंग दिख रही है। अब इस पे फिल पर जाएं, इसका जो आउटलाइन था वो भी आउटलाइन को हटा दें, अब परफेक्ट है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। इसके बाद आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें वो वर्ड्स लिखने, जो वहां पर वर्ड्स लिखे हुए थे, उसके लिए हमें इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट में आएंगे, और यहाँ से हम अपनी वर्ड आर्ट ले लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और पहला जो भी आपको लिखना था आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं अपना जो भी था वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से इस तरीके से, सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाऊंगा, यहाँ से एजेंसी FB नाम का एक फॉन्ट है वो ले लूंगा, बोल्ड कर दूंगा, और इसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। पहले मुझे अपने फॉन्ट साइज को छोटा करना चाहिए, छोटा कर दिया। इसके बाद इसको उठाकर मैं इसको यहाँ रख दूंगा, लेकिन साइज अब भी बढ़ाए तो थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूं। इसके बाद छोटा करने के बाद इसका फॉन्ट साइज मैं इसको वाइट कर देता हूं, मैंने इसका फॉन्ट साइज वाइट कर दिया, और इसका सिलेक्ट करके मैंने इसका फिल कलर नो कर दिया। इसके बाद आउटलाइन नो कर दी ताकि ये मुझे इस तरीके से दिखे। इसके बाद मैंने इसे कॉपी करा और यहां से ड्रैग कर दिया शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, क्योंकि मुझे एक जैसा करना है, तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसे कंट्रोल दबाऊं या फिर कॉपी पेस्ट कर दूं, और मैंने इसे आगे ड्रैग करा। यहाँ मुझे बैड लिखना है तो मैंने यहाँ से बैड लिखा, और हल्का सा पकड़ के इस तरीके से मैंने इसे रोटेट कर दिया, ठीक है।
ताकि परफेक्ट तरीके से आ जाए। इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करा, एक और कॉपी बनाई और इसको लिख दिया मैंने एवरेज। ठीक है, तो मैंने यहां से इसको एवरेज लिख दिया। इसको मुझे रोटेट करना है तो मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया। इसके बाद इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल बटन दबाया और इसे नीचे। अब देख, गलती से मुझे ये चार्ट सिलेक्ट हो गया, मुझे चार्ट को सिलेक्ट नहीं करना था। इसे सिलेक्ट करा, यहाँ पर ले आया और इसे एक को सिलेक्ट करके एक और कॉपी बना ली। इसको मैंने गुड दे दिया। इसके बाद इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से और यहाँ रख दिया। इसके बाद यहाँ पर और नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिलेक्ट ड्रैग करते हैं, एक और कॉपी बनाते हैं और इसे यहाँ पर लिख देते हैं बेस्ट और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे इस तरीके से रोटेट कर देंगे, परफेक्ट है। अब आप किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा, दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर वो स्प्रिंग सी बटन वो बनाना है। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे। ठीक है, बेसिक शेप में जाकर यहाँ से हम ओवल ले लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करेंगे। इसका फॉन्ट कलर ब्लैक कर देते हैं, आउटलाइन नो कर देते हैं और सिर्फ शेप इफेक्ट पर जाके यहाँ पर प्रीसेट में जाकर या फिर बेवल पर जाकर यहाँ से पहले वाला ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दें, ज्यादा बड़ा हो गया तो शिफ्ट के साथ छोटा कर दें, इतना हो गया। इसके बाद अब हमें ये वाले वर्ड लिखने हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम इंसर्ट पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो हमने यहाँ से लिया टेक्स्ट लिखने के लिए, इसे ड्रैग करा, इसकी आउटलाइन को सिलेक्ट करा और यहाँ जाकर इक्वल दबा के हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, ताकि इससे फायदा क्या ये आ गया। इसको हमने सेंटर करा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, सबसे पहले इसे हमने सेंटर करा, मिडल करा, बोल्ड करा और यहाँ से इसका जो फॉन्ट था वो एजिंग एफ भी ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका फिल कलर हम यहाँ से नो कर देंगे, आउटलाइन नो कर देंगे और इसका फॉन्ट कलर यहाँ से व्हाइट कर देते हैं, ताकि ये परफेक्ट तरीके से दिखे। ये देखिए चार्ट आपका रेडी हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, ये आपका चार्ट रेडी होता चला जाएगा। क्लियर? साथ साथ मुझे नीचे नाम भी चाहिए तो वो भी मैं शेप में जाऊंगा, इस शेप को सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। इसके बाद मैं आउटलाइन पर क्लिक करूंगा, इक्वल पर जाऊंगा और उसके बाद अब हम इसे यहाँ पर नाम को लिंक कर देंगे। नाम आ गया, इसके बाद इसे सेंटर, मिडल, ठीक है, बोल्ड और फॉन्ट साइज एजिंग, या आप यहाँ से इम्पैक्ट फॉन्ट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फॉन्ट है, और इसे आप बड़ा कर लें थोड़ा सा। तो ये अब आपका डायनेमिक चार्ट बन चुका है। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज चाहिए, मतलब कि 20 है, 40 है, वो भी दिखना चाहिए। तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स को लें, जैसे मैं 0% तो मैंने यहाँ से 0% लिया, इसको सिलेक्ट करा, फॉन्ट मैंने एजेंसी एफ भी लिया, इंटर मारा, बोल्ड करा, सेंटर या फिर बिल्कुल लेफ्ट कर दिया और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। फॉर्मेट में जाकर नो फिल करा, आउटलाइन में नो फिल करा और इसके बाद अब इसे हम कॉपी करेंगे, ऊपर ड्रैग करेंगे, यहाँ ड्रैग करेंगे, गलती से बॉर्डर चार्ट सिलेक्ट हो गया था। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ड्रैग करेंगे, बस याद रखना चार्ट ना सिलेक्ट हो, चार्ट सिलेक्ट हो गया तो वो भी कॉपी कर देगा ये और यहाँ ड्रैग कर देगा। ठीक है, एक और रह गई, ये बना दो, बस परफेक्ट। इसके बाद इसको आप 20 दे दो, इसको आप 40 दे दो, इसको आप 60 दे दो और इसको आप कितना 80 दे दो, इस तरीके से 80 दे दिया और इसको 100। ये अब आपका चार्ट परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से मिल जाए। आप इस तरीके से अपना स्पीडोमीटर चार्ट बना सकते हैं। अब आप इसकी आउटलाइन को रिमूव करना चाहें चार्ट की, तो आपको फॉर्मेट में जाना है, आउटलाइन में आना है, यहाँ से नो कर देना है। अगर आप फिल कलर भी नो करना चाहें तो आप चार्ट में जाके फिल कलर को भी नो कर सकते हैं और ये आपका चार्ट बन गया। लेकिन अभी इसमें थोड़ी बहुत कमी, जैसे कि अगर चार्ट हिलेगा तो ये सब इसके साथ मूव नहीं होंगी, तो क्या करना है,
इसको चार्ट के साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए इनको सिलेक्ट करो, इनको और क्या बटन दबाओ, कंट्रोल बटन दबाते जाओ या फिर शिफ्ट बटन दबाओ और सबको सिलेक्ट कर लो। मैंने सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, ध्यान से सिलेक्ट करिएगा ताकि सभी एक बार में सिलेक्ट हो जाए और बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद आप इसको कॉपी कर लो, शेप को कॉपी कर लो जो नीचे शेप है, ठीक है। चार्ट को हटा दो, चार्ट को कॉपी नहीं करना, इसको कॉपी कर लो और इसके नीचे वाली लास्ट वाली जो शेप है ना वो कॉपी हो जाए तो काम हो जाए, ठीक है। चलो शेप को रहने दे, शेप को अलग कर लेते हैं। इसके बाद इसे कट करो, कट करने के बाद चार्ट को सिलेक्ट करो या चार्ट को कंट्रोल वी कर दो, आ गया। इसके बाद किसी एक को पकड़ लो और ड्रैग करो जैसे नॉर्मल था वैसे, इसे आपने ड्रैग कर दिया, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसको देखिए, इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, इसे सिलेक्ट करें, इसे सेंड टू बैक कर दें, ठीक है, ताकि वो नीचे वाली आपको दिख जाए। इसके बाद आप इसे कॉपी करें और यहां पर ले आए। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए सब इसके साथ मूव हो जाएंगी, बस वो मूव नहीं होगी इसकी, क्योंकि वो उसके साथ लिंक नहीं थी। तो आप इसके बाद आप इसको कॉपी करके इसके साथ इस तरीके से लिंक कर देना, तो ये आपको परफेक्ट तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक डायनेमिक चार्ट को बना सकते हैं जिसका नाम था स्पीडोमीटर चार्ट। इसके सेकंड पार्ट को हम अपने जो हमें बनाना है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हम इतने यहीं स्टॉप करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके, जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।